1998 तक तो पुलिस और हमारे समान वेतन था, लेकिन उसको लेकर फिर 2017 में समझौता हुआ था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ और हम और आरएसी पुलिस और आरएसी के समान हमारा वेतन किया जाए, इसको लेकर हम बैठे हैं सर, वेतन विसंगति को लेकर। कितने दिन हो गए आपके धरने को? 2 दिन हो गए सर। मेस वगैरह का बहिष्कार भी किया? बिल्कुल, मेस का बहिष्कार कर रखा है, हम ड्यूटी कर रहे हैं अपना और सिर्फ पानी पी के ड्यूटी कर रहे हैं, मैं इसका बहिष्कार कर रखा है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अब चलता रहेगा। जो धरने पर बैठे हैं लगभग 100+। क्या चाहते हैं? बस यही चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। आपका नाम? मेरा नाम विमला। वेतन विसंगतियों को लेकर के ये आज दूसरा दिन है जो मैस बहिष्कार किया जा रहा है सेंट्रल जेल अजमेर और महिला जेल पर। इस मैस बहिष्कार को लेकर के रात को भी एक लड़की की, महिला प्रहरी की तबीयत ख़राब हो गई थी, अंजलि, उसको JLN में एडमिट करवाया गया था, उसके बावजूद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो पुनः अपनी ड्यूटी पर आ गई और ड्यूटी पर आने के बावजूद फिर उसकी पुनः तबीयत ख़राब होने पर आज फिर दोबारा JLN में भर्ती करवाया गया है, जिस पर हमारी अधीक्षक महोदय की कंटिन्यू नज़र बनी हुई है और स्टाफ को समझाइश की जा रही है अधीक्षक महोदय के द्वारा। लेकिन संपूर्ण राजस्थान में मैस का बहिष्कार किया गया है और हमारा एक ही ध्येय है कि जो भी हमें आरएसी और पुलिस के समान वेतन चाहिए और कुछ नहीं, इससे कम समझौता पे हम माननी नहीं है। हमें ये सरकार की हठधर्मिता है कि हम बार बार ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैस बहिष्कार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार ने अपनी हठधर्मिता पे है, वो अपना हमारी एक भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जेल प्रहरियों ने भी ये ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है जब तक हमारा ये मैस बहिष्कार खत्म नहीं करेंगे। मांगे पूरी नहीं होती तो मांगे, इसके लिए हमने आगे की हमारी जो कमेटी है उसके लिए हम जल भी त्याग देंगे और जल त्यागने के बाद में हमारा और भी आगे का प्लान है जो आगे ही बताया जाएगा। नाम बताइए। सुमेर सिंह।